साईयो। जब तुम शिशु थे तब से पाल पोस कर बड़ा किया है तुम्हें उमा ने। जरा सोचो वो तुमसे कितना प्यार करती होगी। यशोदा मैया ने कान्हा को जन्म नहीं दिया था तो क्या वो उनकी मां नहीं? दिल के रिश्ते कई बार खून के रिश्ते से ज्यादा गहरे होते हैं दत्तू। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किसने जन्म दिया है। अगर उन लोगों ने थोड़ा और इंतजार किया होता तो उनके जीवन में सिर्फ हरी होता और उनका जीवन खुशहाल होता, मगर आज बेचारे पछता रहे होंगे। वो लोग मुझे नहीं चाहते, मैं उनके लिए अनचाहा बच्चा हूँ। वो समझते हैं वो मुझे, इसलिए तो मैंने घर छोड़ा था। साई, आपने मुझसे वादा किया था मुझे मेरे सगाई बाबा से मिलाइए ना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे सगे आई बाबा से मिला दूं, तो मेरा एक आखिरी काम कर दो, फिर हम चलेंगे। बोलिए साई, क्या करना है? केशव ने कहा ना कि तुम्हें जंगल से लकड़ियां लानी है, वो ला दो फिर चलेंगे। ठीक है साई, अभी लाता हूं। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। क्या हुआ साई? तुम यहीं रुको केशव। कहाँ जा रहे हो बेटा? कहीं उस फकीर की बातों में तो नहीं आ गए तुम? सच बताऊं, वो फकीर तुम्हारे असली आई बाबा को नहीं जानता है। मुझे मेरे साई पे भरोसा है। रास्ता छोड़िए, मैं जल्दी में। रख। सरकार जब बात करें तो उनकी बात तभी खत्म होती है जब वो कहें, समझा? संता, क्या बच्चों से ऐसी बात की जाती है? मूर्ख, चुप बैठो तुम। बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली आई बाबा के पास ले जा सकता हूं, मैं जानता हूं उन्हें। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। रख। तेरा इतना दुस्साहस कि तू कुलकर्णी सरकार की बात ना माने।
तू कहाँ गया? तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया, ओम साई ओम साई ओम साई ओम। लकड़ियां तो मिल ही नहीं रही, क्या करूं? सुनिए, क्या आप मुझे अपनी लकड़ियां देंगी? आज मुझे इनकी सख्त जरूरत है। रुकिए, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। क्या हुआ आपको? रिश्ते कई बार खून के रिश्ते से ज्यादा गहरे होते हैं दत्तू। हाय आगे गोली आई। मालिक सबको सुधरने के 100 मौके देता है, और जब कोई नहीं सुधरता तो 101वीं बार उसकी लाठी पड़ती है। आई देखिए, आई क्या हो गया? आई देखिए, मैं हूं। आई होश में आई है, आगे को ले रहा है। दत्तू बाबा, बाबा देखे ना आई को क्या हो गया? उमा, उमा होश में आई, आई आई आगे को ले आई। मेरा अंदेशा बिल्कुल सही निकला, वो तो बहुत अच्छा हुआ कि हम इसके पीछे आ गए, वरना भूखे पेट कब तक साथ देता इसका शरीर। चक्कर आ गया होगा और बेहोश हो गई। मतलब इन्हें कुछ भी नहीं कहा? हाँ दत्तू, कुछ भी नहीं। जब से तू गया तब से मुझे माफ कर दे दत्तू, ये सब मेरी वजह से हुआ।
वो उस दिन मैंने गुस्से में सब कुछ तुझे बोल दिया था। वो उमा और भालचंद के मन की बात नहीं थी, उस तो मैंने अपने दिल की भड़ास निकाल दी थी तुझ पर। जो जी में आया वो बोलती गई, तूने उसे सच समझ लिया और नाराज होकर घर छोड़ दिया। उमा टूट गई पर हारी नहीं, इसने प्रतिज्ञा ली कि तुझे घर लाकर ही रहेगी और जब तक तू घर नहीं आएगा ये अन्न का एक दाना भी नहीं खाएगी। जानते हो आई ने क्या कहा, जब तक तुम घर नहीं आओगे वो कुछ नहीं खाएंगे। झूठ बोलती हैं वो, जैसे उन्होंने झूठ कहा कि मैं उनका सगा बेटा, जबकि उन्होंने मुझे गोद लिया था। देख, देख कितनी कमजोर हो गई। और जानता है तू, हर रोज तेरे काम में मदद करने आती थी, तुझे पता ना चले भूखे रहने से इसका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि अगर चलती तो डगमगा जाती। हमने इसको आराम करने के लिए बहुत कहा पर ये यही कहती रही कि तू उसका बेटा है, वो भले ही अपनी आई को छोड़ दे पर मैं अपने तत्तू को नहीं छोड़ूंगी। और देख, देख आज भी तेरी मदद करने के लिए यहां आई। आई आगे गोलियां ना आई, मैं आपका बेटा दत्तू, आपसे वादा करता हूं कि आपके साथ घर चलूंगा, एक जिम्मेदार बेटा बनूंगा। आई 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 आके गोलिए ना आई। साई मेरी आई की मदद कीजिए, साई मदद कीजिए, साई क्या हुआ साई? केशव थोड़ी सी उदी पानी में मिला कर देना। जी साई। आह सुनो रे प्रभु जी करो सहाय, राह न कोई सिवा तुम्हारे, दया करो रघुराय प्रभु जी करो सहाय, प्रभु जी करो सहाय। सहके ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, भोर अगन में सोना तपके निखरे घना सुहाए, दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे धर के हृदय में रूप हरि का, करते जा हर काम सच्चे मन से, जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम, हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए, प्रभु जी करे प्रभु जी करे सहाय। ओम साईं ओम साईं ओम।
साई देख लिया ना अपनी जिद का परिणाम। तुझे आज अगर जंगल में दत्तू नहीं मिलता तो तू तो मर जाती ना। कोई बात नहीं मौसी, अगर तब तक मेरा दत्तू मेरे प्यार को समझ लेता और बड़े बेटे होने के नाते मेरी चिता को अग्नि दे देता तो मेरा व्रत ऐसी सफल हो जाता। नहीं आई, ऐसी बातें मत कीजिए। मेरी गलती की आप मुझे इतनी बड़ी सजा देती, आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा ना? मत रोइए आई। आई बाबा जल्दी से साई के पास द्वारका में ले चलते आई को। बैलगाड़ी लेके आता हूँ। बाहु बाहु गाड़ी दोगे? बाहु बाहु गाड़ी दोगे? बाहु 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 गाड़ी रोकना जरा। मेरी मदद कीजिए ना बाहु, मेरी आई की तबीयत मत खराब। जल्दी से आइए ना, उनको गाड़ी मिल जाएगी। कहाँ है वो? मैं बताता हूँ। क्या तुम बता सकते हो यहाँ से शिरडी कितनी दूर है और साईं बाबा वहाँ कहाँ मिलेंगे? यहाँ से थोड़ी दूर है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो। एक काम और है केशव। शास्त्री जी आपने तो बड़ी बड़ी बातें कही थी, कहा था आपकी कही भगवान की वाणी होती है, उसे कोई बदल नहीं सकता। तो दत्तू अपने माँ बाप के पास वापस कैसे चला गया? संभव? संभव हुआ है शास्त्री जी, संभव हुआ है। भ्रम में मत रहिए। हमें अभी के अभी उस साई से मिलना है। तो जाइए मिलिए, मैं नहीं आने वाला आपके साथ। हार कर जीतने वाले के सामने सिर झुकाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। एक छोटे बच्चे का अपहरण नहीं कर पाए तुम? यदि पहले बता दिया होता तो बाहर से लोग मंगवा लेता मैं। वो दत्तू शिरडी के बाहर चला गया होता तो फकीर अपना काला जादू उस पर कभी नहीं चला पाता। जो हुआ सो हुआ, अब जाकर सौ मटके ले आ, तेरे सिर पे रख के गोली चलाने का अभ्यास जो करना है मुझे। नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए सरकार, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी जान चली जाएगी सरकार, इस बार माफ कर दीजिए। चुप! जिस
जिस मंशा से आप यहां आए हैं उसका पूरा हो पाना संभव नहीं है। आपकी कुंडली से उस ग्रह के दूर होने की कोई संभावना नहीं है। मुले शास्त्री जी की एक भविष्यवाणी तो गलत साबित हो गई, हो सकता है दूसरी भी हो। हमने सुना दत्तू अपने आई बाबा के पास वापस आ गए, यह असंभव है। ये तो मालिक की मर्जी है, मालिक की लीला है। वो मां को ज्यादा देर बच्चे से अलग नहीं रखता। लेकिन हमने उसका भविष्य देखा था, भालचंद्र के भाग्य में पुत्र विरह लिखा था। हमें हमारे गुरुजी भविष्य दिखाते हैं और वो ही हमारे मुख से बोलते हैं। उनकी कही बात बदलने की ताकत सिर्फ एक ही शख्स में है और वो है खुद हमारे गुरुजी, स्वामी गोलब जी। साई।